नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश अग्रवाल VSCA हेयर क्लिनिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बालों के लिए शैम्पू या सोप में से क्या चीज़ बेहतर होती है, यानी बालों के लिए शैम्पू अच्छे होते हैं या साबुन अच्छी होती है। आप में से बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि मैं काफ़ी लंबे समय से अपने बालों को धोने के लिए साबुन का इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ, क्या साबुन मेरे बालों के लिए ठीक है या ये किसी तरह का नुकसान मेरे बालों को पहुँचा सकता है। आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे बालों के लिए शैम्पू या साबुन, इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। हमारे बाल बहुत ही महीन, बहुत ही नाजुक, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और इन बालों को लगातार इसी टेक्सचर में बने रहने के लिए हमें बालों का बहुत सा ध्यान रखना पड़ता है। आज की भागदौड़ की जिंदगी, पोल्यूशन भरे वातावरण और खान पान की आदतों की वजह से हमारे बालों को बहुत सी बाह्य मारों को झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से बालों पर एक आघात लगता है। हमारे बाल ब्रिटल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, शाइनीनेस कम हो जाती है और हमारे बालों का टेक्सचर बड़ा अजीब सा नज़र आता है। इन सब चीज़ों को बालों से बचाने के लिए और बालों को बेहतर दिखाने के लिए हमें विभिन्न प्रसाधनों का इस्तेमाल करना पड़ता है। शैम्पू माइल्ड होते हैं और सोप अल्कली होती हैं। जो अच्छे शैम्पूज होते हैं उनका pH मेंटेन्ड होता है। तो तीन ऐसे कारण हैं जो शैम्पू को बेटर प्लेस करते हैं सोप से, तो हम आज इन तीन कारणों पर चर्चा करेंगे। पहला कारण, कंडीशनिंग। हमारे बालों को एक अच्छे कंडीशनर की आवश्यकता होती है। जब भी हम बालों को शैम्पू करते हैं या सोप से साफ करते हैं, उसके बाद बाल रफ हो जाते हैं, बालों के अंदर से मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाता है, बाल ड्राई हो जाते हैं और ब्रिटल हो सकते हैं। इस ब्रिटलनेस से, ड्राईनेस से बालों को बचाने के लिए हमें बालों को रेगुलर कंडीशन करना पड़ता है। सोप सॉलिड होने की वजह से इसके अंदर कंडीशनिंग एजेंट्स को मिक्स करना मुश्किल होता है, जबकि शैम्पू लिक्विड डिटर्जेंट होते हैं और इसके अंदर कंडीशनिंग एजेंट्स को डालना आसान होता है। सबसे पहला फ़ायदा जो शैम्पू हमारे बालों के लिए कर सकते हैं वो है कंडीशनिंग का, तो इसलिए बालों के लिए शैम्पू ज़्यादा बेहतर होते हैं सोप से, अपनी कंडीशनिंग प्रॉपर्टी के कारण। दूसरा कारण है pH वैल्यू का। जैसा कि हम सब जानते हैं, सोप नेचर में अल्कली होती हैं, यानी उसका pH न्यूट्रल pH 7 से ज़्यादा होता है और इसलिए ये हमारे बालों के लिए कुछ नुकसान कर सकती हैं, हमारे बालों को ड्राई कर सकती हैं। जबकि शैम्पू का pH न्यूट्रल होता है, यानी 7 pH होता है और ये 7 pH ना एसिडिक होता है ना अल्कली होता है और इसलिए ये हमारे बालों के लिए सूदिंग एजेंट का काम करते हैं और बालों को प्रॉपर वॉश करते हैं, किसी तरह की ड्राइनेस बालों के अंदर नहीं लेके आते। तीसरा कारण, इंट्रैक्शन विद हार्ड वाटर। यदि पानी हार्ड है तो साबुन का इस्तेमाल बालों के लिए नुकसानदायक हो सकता है, जबकि शैम्पू के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में हेल्प करती हैं और हमारे बालों की पूरी केयर और पूरा ध्यान रख पाती हैं। तो इसी वजह से बालों के अंदर शैम्पू का इस्तेमाल करें, ना कि सोप का, जिससे आपके बाल स्वस्थ रहें और अच्छे दिखें। आज के वीडियो में हमने जाना कि वो तीन क्या कारण हैं जिनकी वजह से बालों के लिए शैम्पू ज़्यादा बेहतर होते हैं साबुन से। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत, जय हिंद।